दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वुमन डायरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की वीडियो कुछ अलग करते हैं हम। आज हम डिस्कस करेंगे स्किन, मतलब समर में स्किन केयर कैसे करें, सेल्फ केयर कैसे करें, तो वो है आज का टॉपिक। तो कुछ अलग किया है मैंने आज ब्लॉग से हटके, तो बने रहिए मेरे साथ और पूरी वीडियो देखिएगा जरूर। इसमें अलग अलग मैंने टिप्स बताए हैं, ट्रिक बताए हैं जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से। तो समर में अपने आपको कैसे फिट रखना है, मतलब अपनी स्किन को कैसे ख्याल रखना है, मतलब स्किन का, तो घर के साथ साथ हमें अपनी स्किन का, अपनी जो हेयर होते हैं, अपनी बॉडी का, वो भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है एक लाइफ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो देखिएगा कि मैं कैसे कैसे अपनी केयर करती हूँ। अभी भी मैंने देखिए, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा मैं मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ लिप कलर यूज़ किया है, एक छोटी सी बिंदी और सिंदूर, बस वही मेरा डेली का मेकअप होता है। मेकअप में मैं कभी कभी बाहर जाना हो तो बीवी या सीसी क्रीम वो यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं कोई और मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस मेरी स्किन जो है वो नेचुरली है, जो भी है आपके सामने है। और मैंने अभी सिर्फ नहाने के बाद सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ डेली, ये मेरा डेली का रूटीन होता है। बाकी आप देखिए मैं कैसे कैसे इसको मतलब अच्छा रखती हूँ, हेल्दी रखती हूँ अपनी स्किन को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं पार्लर बहुत ही कम जाती हूँ। अपना जो भी थ्रेडिंग वगैरह का होता है, हेयर केयर का होता है, अपना स्किन केयर का होता है, मतलब पेडिक्योर वगैरह जो भी होता है, वैक्सिंग वगैरह, सब मैं खुद अपने आप घर में कर लेती हूँ। और होम रेमेडीज ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि घर की चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं तो इनसे नुकसान तो होता नहीं, फ़ायदा ही होगा आपको। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगी मैं वैक्सिंग कैसे करती हूँ। तो वैक्सिंग के लिए मैं इस तरह के इरेजर का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना तामझाम पसंद है कि वो वैक्सिंग लगाओ, क्रीम लगाओ, गर्म मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है वो, और ऊपर से निकालो। कर तो मैं वैसे भी लेती हूँ बट बहुत ही कम यूज़ करती हूँ उसको मैं। और ऐसे ही रेज़र का यूज़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इससे भी मेरे बाल जो है वो देखिए ज़्यादा घने नहीं आते हैं, और वैसे एज इट इज़ ही आते हैं, पतले ही बाल आते हैं मेरे को, और मोटे तो कभी आए नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मोटे बाल आते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी भी। एज इट इज़ जो ग्रोथ थी बालों की वही आते हैं, और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम होगी बालों की। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, आई थिंक मिल जाते हैं आजकल ऐसे रेज़र, आप हेयर रिमूवल रेजर डालकर देख लीजिएगा, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कौन सा बाकी स्किन केयर हेयर केयर के ऊपर। तो हम बनाएंगे आज D10 पैक। देखिए मैं इस तरह से बनाती हूँ घर पर ही। तो मैंने ले लिया है दही, उसमें ऐड कर रही हूँ मैं बेसन, 2 चम्मच मैंने बेसन ऐड कर लिया यहाँ पर। अब मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी 1/2 चम्मच। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें हनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, उसके बाद हम करेंगे इसको अप्लाई। तो ये D10 पैक रेडी है हमारा। अब इसको इस तरह से अप्लाई कर लेंगे हम अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पर मिरर की हेल्प से अच्छे से लगा लिया सारे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर जो सामने दिखने वाले पार्ट होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो इस तरह से बना था मेरा कुछ पेस्ट, थिक पेस्ट रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मतलब थिक भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हम इसको, नेक पर भी अप्लाई करना है हमें। तो देखिए इस तरह से। फिर मैंने आर्म्स के ऊपर, हैंड्स के ऊपर भी अप्लाई कर लिया था अच्छे से, क्योंकि मेरी आर्म्स में भी थोड़ी टैनिंग हो गई, यहाँ पर ये ओपन रहती हैं, इतनी बाजू में पहनती हूँ 3/4 स्लीव्स, तो आगे से काफ़ी ज़्यादा टैनिंग हो रही थी इनको। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है दोनों हाथों में, दोनों आर्म्स में, साथ के साथ पैरों में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि पैरों में भी टैनिंग हो जाती है आपको पता ही है। तो इस तरह से अच्छे से अप्लाई कर लेंगे हम इसको, उसके बाद हम इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट बाद। ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से पानी लगाकर निकालेंगे, ज़्यादा रगड़ रगड़ कर नहीं निकालना है इसको, नहीं तो फिर रेडिश मतलब रेडनेस हो जाएगी, आपकी स्किन रेड हो जाएगी सारी। हम बनाएंगे फेस पैक इस तरह से। देखिए मैंने ये एलोवेरा ले लिया है, कुकुम्बर को मैंने पील ऑफ करके ले लिया, और रोज़ वाटर ले लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं इनको ग्रेट करूँगी, मैंने ग्रेटर भी ले लिया है साथ के साथ।
तो पहले मैंने एलोवेरा को इस तरह से ग्रेट करके इसका जूस निकाल लिया है। देखिए अब हम करेंगे कुकुम्बर को भी ग्रेट, तो उसके बाद ही बारी कुकुम्बर की। तो इसको आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, तो मैं इस तरह से इसको ग्रेट कर रही थी। तो इसको बारीक साइड से ग्रेट करना है हमें, देखिए इस तरह से, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से मैंने इसको भी ग्रेट कर लिया है। अब हम जो चाय वाली छन्नी होती है, स्ट्रेनर होती है, उसे इस तरह से इसको जूस को निकाल लेंगे अच्छे से। एक कटोरी में मैंने अलग से इसको निकाल लिया है। मैंने एलोवेरा और कुकुम्बर दोनों को ही अच्छे से इससे मतलब स्ट्रेन कर लिया है। अब देखिए इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम साथ के साथ। इसमें ऐड कर देंगे हम रोज़ वाटर, मिक्स करके अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से अप्लाई करना है इसको, और इसको 1 वीक तक आप फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, और रात के टाइम अप्लाई कीजिए। उसके बाद धोने के बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद बारी आती है मॉर्निंग ड्रिंक की, तो मैं यहाँ पर लेती हूँ गर्म पानी मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे थायराइड की दवाई भी खानी होती है, तो मैं इससे गर्म पानी ल्यूकवार्म करके इसको इसी से मैं दवाई खा लेती हूँ अपनी। और यहाँ पर देखिए एक घूंट सिप सिप करके पीती हूँ मैं पानी सुबह सुबह, एकदम से नहीं पीना होता है, तो सिप सिप करके पीजिए आप भी पानी, और बैठ कर पानी पीजिए, वो ज़्यादा मतलब ठीक रहता है। तो इस तरह से मॉर्निंग में मैं लेती हूँ 1 ग्लास गर्म पानी। उसके बाद मैं यहाँ पर लेती हूँ अपना 1 घंटे बाद डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर आप कुछ भी बना सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं उसमें। मैं यहाँ पर सौंफ का पानी पी रही थी, तो इस तरह से मॉर्निंग में 1 घंटे के बाद दवाई लेने के बाद। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेयर मास्क। तो मैं हेयर मास्क को भी घर पर ही बनाती हूँ। ये मैंने ले लिया राइस वाटर, उसमें ऐड किया मैंने यहाँ पर घर का ही एलोवेरा। इसको अच्छे से मिक्स करके हमें अप्लाई कर लेना है हेयर्स के ऊपर। तो ये भी मैं घर पर ही प्रेफर करती हूँ बनाना, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे इसके मिले हैं। क्योंकि मेरे बाल देखिए आप ज़्यादा मोटे तो नहीं है, शुरू मतलब बचपन से ही ऐसे हैं, और ऊपर से अगर झड़ जाएँ तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो झड़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा मास्क होता है ये, मतलब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो एलोवेरा और राइस वाटर जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए भी। तो आप इस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। तो इस तरह से इसको बालों की जड़ों में अप्लाई कर लेना है अच्छे से। तो फिर मैंने किया यहाँ पर अप्लाई। जब भी मैंने हेयर वॉश करने होते हैं तो वीकली मैं एक आधी बार इसको ज़रूर लगा लेती हूँ। तो इस तरह से करने के बाद इसको 1 घंटे तक छोड़ दूँगी ऐसे ड्राई होने के लिए। उसके बाद नॉर्मल पानी से मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो इस तरह से सारे बालों में लगा लिए मैंने अच्छे से। तो मैंने हेयर वॉश कर लिए देखिए, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, सिल्की सिल्की से हो गए हैं इस तरह से, देखिए डिटेंगल भी नहीं हो रहे बिल्कुल। तो आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इस फेस पैक को, काफ़ी यूज़फुल है ये, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ इसको। इससे बाल को सिल्की भी काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, देखिए सिल्की से हो गए हैं और झड़ते भी नहीं है बिल्कुल भी। तो यूज़ ज़रूर कर सकते हैं आप इसको, हाईली रिकमेंडेड है ये। तो हेयर ऑयलिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो मैं वीकली 2 बार तो हेयर ऑयल जरूर करती हूँ, तो रात को लगाती हूँ मैं इस तरह से हेयर ऑयल। मैंने आजकल मैं आदिवासी का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने असम से मंगवाया था, मतलब मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे, उनकी जॉब है असम में, तो उन्होंने वही लेकर आए थे मतलब वहाँ से। तो इस तरह से इसको जड़ों में अप्लाई करना होता है अच्छे से, और वीकली 2 बार यूज़ करना होता है। तो मैं रात के टाइम इसको यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं हेयर्स में। तो नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ फेस आइसिंग। तो फेस आइसिंग मैं इस तरह से, मैंने ये मंगाया था मीशो से कंटेनर, तो इसमें मैं एलोवेरा और पानी डालकर इसको फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में। तो इस तरह से देखिए मैंने भर लिया है इसको अच्छे से। अब इसकी कैप लगा के इसको शेक करके तो मैंने ये फ्रिज में आइसिंग रख रोल दिया ऑन है। काफ़ी अच्छा है, देखिए इस तरह से फिर ओपन करके आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं फेस के ऊपर। आइसिंग करने के भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है फेस के ऊपर, आपकी स्किन जो है वो टाइट होती है, मतलब काफ़ी यूज़फुल है ये भी, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा फेस आइसिंग, काफ़ी नेक्स्ट अच्छे हम रिजल्ट करेंगे मिलेंगे पेडिक्योर, तो आपको यहाँ इसके पर भी। देखिए मैंने शैम्पू ले लिया है, साथ में मैंने कॉफ़ी ऐड की इसमें, उसके बाद मैंने लेमन जूस ऐड किया इसमें, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोडा। आप मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा है उसको यूज़ कीजिएगा। तो इस तरह से ऐड किया मैंने सोडा, उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें हनी।
अब इसको अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर लेना है आपने फीड्स के ऊपर। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद इसको 10 मिनट तक छोड़ दीजिए आप। उसके बाद ड्राई होने के बाद इसको वॉश कीजिए और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके भी। ये देखिए, ये अपने टूल, देखिए थ्रेड भी मैंने ले लिया है। थ्रेड भी बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी टाइम से मेरे पास चल रहा है ये, और मैंने ले लिया साथ में प्लकर। आपको बताती हूँ कैसे कैसे करती हूँ मैं, आप भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं बताऊँगी आपको। इस तरह से लेना है, फिर मैं इसको नॉट करूँगी, तोड़ लूँगी यहाँ से। अब मैं इसको इस तरह से बांध लूँगी। तो देखिए मेरी नॉट बन गई है। अब हम इसको ऐसे 3-4 बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने नॉट कर लिया और इस तरह से मोड़ना है हमें इसको ऐसे, फिर हम पकड़ेंगे इसको कुछ ऐसे और इस तरह से। तो मैं अपनी थ्रेडिंग खुद से ही करना प्रेफर कर रही हूँ, जब से मेरी ख़राब कर दी एक दो बार मैंने पार्लर में करवाई, बट इधर कुछ अच्छे पार्लर भी नहीं है और वो ख़राब कर देते, इससे बेटर है तो अपने आप ही करो। तो मैं कर लेती हूँ, औरों की तो ईजी होती है, खुद की थोड़ी टफ़ होती है, बट मैं कर लेती हूँ अब अच्छे से। जो नए निकलते हैं बाल उनको मैं प्लग कर की हेल्प से निकाल लेती हूँ। इस तरह से निकल जाते हैं इस तरह से। तो चलो अब हम निकालेंगे नीचे वाले। बस इसको इस तरह से जो बाल होता है उसको ऐसे होल्ड करके निकाल देना होता है बस। तो ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े से ही हैं, बट थोड़े थोड़े निकालते रहे तो इजी हो जाता है। एकदम से ज़्यादा हो जाए तो फिर मन भी नहीं करता है और ऐसे आलस आता रहता है कि हाँ आप कौन ही करें। तो इससे थोड़ा थोड़ा करते रहे तो अच्छा रहता है, जैसे काम घर का होता है थोड़ा थोड़ा करते रहे तो ठीक है, अगर ज़्यादा ही लंबा पड़ जाए तो मन भी नहीं करता है फिर करने का। तो अभी मैं कर लेती हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ आपसे। तो थ्रेडिंग होगी मेरी डन, देखिए घर कर लिया है। देखिए मैंने ली है चीनी और चीनी में डाला है मैंने लेमन जूस, तो इससे मैं स्क्रब करूँगी अभी। मैं आपको बताऊँ तो मैं ज़्यादातर घर के ही प्रोडक्ट से अपना स्किन केयर करती हूँ, ये बेनिफिट भी इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं और नेचुरल चीज़ें हैं तो अच्छी रहती है स्किन के लिए भी। केमिकल यूज़ करने से तो अच्छा है कि नेचुरल होममेड जो भी आप यूज़ कर सकते हैं वो आप यूज़ कीजिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ जल्दी से स्क्रबर फेस को, ये काफ़ी अच्छा होता है, आपके फेस पर एकदम से चमक आ जाती है, मतलब आपका जो फेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्लो करने लग जाता है। गर्मियों में आप नींबू पानी तो पीते होंगे, बट आप फेस पर भी लगा कर देखिए नींबू और चीनी, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो अभी जल्दी से कर लेती हूँ स्क्रबर, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा इन टिप्स ट्रिक्स को। मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ इन्हें और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आई होप आपको भी मिलेंगे। अगर आप यूज़ करेंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आप इनको यूज़ करते हैं आपको कैसा रिजल्ट मिला तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं डेली थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहती हूँ, तो डेली ब्लॉग में भी कुछ कुछ जो यूज़ करती हूँ वो बताती रहती हूँ मैं आपके साथ। तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते तो उनको भी देखिए जाकर, तो उनमें भी काफ़ी और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो।
तो हम जल्दी मिलेंगे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऐसी ट्रिक्स और टिप्स के लिए। तो तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।